सबसे पहले आईएफ को लेकर बात करेंगे, जिसमें आईएफ ने जो एक आरएफआई है वो इशू किया है, आरएफआई MiG-29 के लिए, MiG-29 यूपीजी के लिए, जिसपे जो एक नया वेपन है स्टैंड ऑफ वेपन, उसका इंटीग्रेशन होना है। वेपन को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा वेपन रहेगा, जो रेंज है वो मेंशन की गई है 180 किलोमीटर की जो रेंज है। आरएफआई का जो पार्ट 3 है वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि वेंडर के क्वालिफिकेशन के लिए जो IDDM कैटेगरी है वो होनी जरूरी है। तो यहाँ पे जो वेंडर होगा वो सिर्फ बॉम्ब रैक को इंटीग्रेट करेगा MiG-29 पे। जहाँ तक बात है वेपन की, उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, वो DRDO का अपना स्टैंड अप वेपन भी हो सकता है, या फिर जो पॉसिबिलिटी है जो कि स्पेकुलेशन है इजरायली रैम्पेज का, वो चीज भी संभव है, क्योंकि रैम्पेज के इंटीग्रेशन को लेकर जो वार्ता है वो चल रही थी और रैम्पेज ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं नेवी के MiG-29 पे, तो जो रैम्पेज की पॉसिबिलिटी IEF के लिए वो ज्यादा है। तो इस तरह के जो वेपन होंगे वो कम खर्च के साथ हायर वॉरेट को डिलीवर कर देंगे लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो आपके लिए टैक्टिकली वो बेनिफिशियल रहेगा, जो एनमी के बंकर्स हैं या फिर जो एनमी के टैक्टिकल एरिया हैं उन पे आप स्विफ्टली अटैक कर पाओगे स्टैंड ऑफ दूरी से। यहीं पे हम बात कर लेते हैं BEL के ऑर्डर के बारे में। तो जो एक नया ऑर्डर है वो BEL ने रिसीव किया है, तकरीबन 105 करोड़ का ये ऑर्डर है। ऑर्डर यहाँ पे ULPGM का है। ULPGM को लेके हम सभी अवेयर हैं, ये ड्रोन लॉन्च मिसाइल है और इसको लेके जो टेस्ट फायरिंग है वो कुछ मंथ पहले कंडक्ट की गई है और कंप्लीट भी की गई है। इसके ऑर्डर की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 2024 की थी, लेकिन प्रॉब्लम जो इनिशियल ऑर्डर है LSP के रूप में ये BEL ने रिसीव किया है। तो जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो अडानी के साथ मिलकर कंडक्ट की जाएगी। मिसाइल की जो रेंज है वो 3-4 किलोमीटर के अराउंड है। स्टैंड ऑफ ऑटोनोमस वेपन है जिसको आप UAV से लॉन्च कर सकते हो और एनमी के जो मूविंग टारगेट है उनको भी आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो प्राइमरली इसको ग्राउंड टारगेट के लिए बनाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पे जो एरियल टारगेट है उन पे आप इसको फायर कर सकते हो। जहां तक बात है गाइडेंस की, तो जो अनकूल्ड IRC का है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि फ्रंट में आपको दिख रहा है। सो फिर जो डिलीवरी है वो 2024 में शुरू कर दी जाएगी। सो इस तरह के जो मॉडर्न वेपन है स्पेशली UAV के डोमेन में, उसको लेके आर्मी काफी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में एक जो अभ्यास है वो कंडक्ट किया गया था जहाँ पे हमारी इन्फेंट्री ने ड्रोन के इंटीग्रेशन के साथ जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है वो कंडक्ट किया था। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अब ट्रेडिशनल वॉरफेयर में इंक्लूड होने लग गई हैं, जो कि इवेंचुअली एक हैबिट बनेगी और लॉन्ग रन में एक्चुअल वॉर सिनेरियो में आपको हेल्प करेगी। कुछ और जो ऑर्डर है वो BDL ने इस साल रिसीव किया है। इसमें से जो पहला रहेगा वो 750 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले ATGM को लेके है, जो कि आर्मी को डिलीवर किए जाएंगे। ये ऑर्डर भी इस साल ही रिसीव किया गया है। ये भी जो आकाश सैम का अपग्रेड है आर्मी के लिए, उसका ऑर्डर भी BDL ने रिसीव किया है। और जो एक LBRM है, यानी कि लेजर बीम राइडिंग मिसाइल, जिसकी जो लागत है वो 254 करोड़ के अराउंड रहेगी, तो वो ऑर्डर भी रिसीव किया गया है BDL के द्वारा। तो जो एक इन्फेंट्री है मिसाइल की, आर्मी के मिसाइल की, वो अपग्रेड होते हुए दिख रही है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।